पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि एक नया भारत है जहां युवाओं का सरनेम मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो है उनका खुद का नाम बनाने की क्षमता। पीएम मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया में कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं बल्कि हर भारतीय की आवाज सुनी जाती है। ये एक ऐसा भारत है जहां किसी भी व्यक्ति के लिए भ्रष्टाचार कभी भी विकल्प नहीं है, यहां योग्यता ही आदर्श है। मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बैंक फ्रॉड केस कम नहीं हो रहे। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018 से 19 में बैंकों में जालसाजी के मामले 15% बढ़ गए। रिपोर्ट में इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि रकम के हिसाब से जालसाजी में 73.8% की भारी बढ़त हुई है। वहीं कांग्रेस ने बढ़ते बैंक फ्रॉड को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आरबीआई का इमरजेंसी फंड गिरकर 6 साल के निचले स्तर पर आ गया, क्योंकि अपनी नाकामी और घोर आर्थिक मंदी को छुपाने के लिए बीजेपी सरकार ने जबरन आरबीआई से 1.76 लाख करोड़ रुपए लिए। सरकार ने देश को आर्थिक आपातकाल में धकेल दिया है। आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम इन दिनों सीबीआई की हिरासत में है। चिदम्बरम की गिरफ्तारी को लेकर अटकलें हैं कि वो कानूनी दाव और सीबीआई के पेच में फंस सकते हैं, जिससे घबराए हुए चिदम्बरम के दिग्गज वकीलों ने चिदम्बरम को सीबीआई हिरासत में रखने की पेशकश सुप्रीम कोर्ट में की, लेकिन फिर भी हासिल कुछ नहीं हुआ। बिहार के गया में शुक्रवार को छापेमारी की गई। इस दौरान एटीएस और गया पुलिस ने टाइमर घड़ी, अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन रोड तार समेत विस्फोट बनाने का सामान बरामद किया। ये छापेमारी जेएमबी आतंकी संगठन के भारत प्रमुख एजाज अहमद की निशानदेही पर की गई। 26 अगस्त को एजाज अहमद गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उसका सहयोगी मोहम्मद रजा फरार हो गया था। एनआरसी तैयार होने की प्रक्रिया के पूरे होने में अब एक दिन का वक्त बचा है। 31 अगस्त को एनआरसी का प्रकाशन होना है। इससे पहले असम की पुलिस ने प्रदेश में अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करने वालों से निपटने के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का टीएमसी समर्थकों ने विरोध किया। दिलीप घोष शुक्रवार सुबह कोलकाता के लेक टाउन इलाके में अपने घर के पास टहल रहे थे, जहां उन्हें चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होना था। इसी बीच बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच विवाद हो गया। दिलीप घोष को देखकर टीएमसी समर्थक गो बैक के नारे लगाने लगे। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने सांसद साध्वी प्रज्ञा को बेतुकी बयानबाजी से बाज आने के लिए कहा है। उनसे कहा गया है कि वो किसी भी तरह का विवादित बयान नहीं दे। पार्टी की तरफ से कदम तब उठाया गया जब साध्वी प्रज्ञा ने हाल ही में कुछ बीजेपी नेताओं के निधन को विपक्ष की मारक शक्ति से जोड़ दिया था। आम्रपाली केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने 6056 होम बायर्स की लिस्ट पेश की गई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 6 अलग अलग परियोजनाओं को 6056 होम बायर्स की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इन होम बायर्स के नाम पर उनके फ्लैट की रजिस्ट्री करनी होगी। कश्मीर पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान शुक्रवार को करतारपुर कॉरिडोर पर अहम बैठक करेंगे। टेक्निकल कमेटी की बैठक डेरा बाबा नानक में जीरो पॉइंट पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच होगी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने कहा कि पाकिस्तान करतारपुर साहिब गलियारे को पूरा करने और इसका उद्घाटन करने को लेकर प्रतिबद्ध है।